Maybe I'll be doing only the synopsis of this lecture, and then next time Wednesday we'll be doing the exercise. It's very, very important topic today. And then you start with the exercises. Please pay attention. I'm doing something called as rolling motion. Are you all there? Can you all see the writing? Yes, sir. Fine. Starting with rolling motion. ठीक है, ध्यान देना. Rolling क्या होता है, कब होता है? Suppose I talk about pure translational motion. प्योर ट्रांसलेशन मोशन मतलब क्या? मोशन इन 1D जैसे हमने डील किया. सपोज एक बॉडी है विच इज ट्रांसलेटिंग एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज VCM. सो कैन आई से एवरी पॉइंट ऑन द पार्टिकल इज गोइंग टू ट्रांसलेट विद VCM. ट्रांसलेट मीन्स गोइंग लीनियरली, बिकॉज इट इज अ रिजिड बॉडी ना. Do you agree with me? Hello, Hana, bolo yes or no? Yes, sir. ये pure translational motion है, मतलब ये normal linear motion. तो हमने kinematics में 1D में पढ़ाई है ना, एक truck हो, car हो, ball हो, अगर वो सीधा सीधा चलेगा तो all particles are going with the same speed in the same direction. Now I deal with something called as pure rotation. प्योर रोटेशन क्या होता है? सेंटर ऑफ मास घूम रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा. सीलिंग फैन रोटेशन. कैन आई से एवरी पॉइंट इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कल आर ओमेगा एंड इट विल हैव टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा. हेलो बेटा, हाँ ना बोलो, करेक्ट है क्या? अरे यस और नो, क्लियर है? यस. नाउ दोनों को ऐड करते हैं, दैट विल रिजल्ट इन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन. इट इज नॉट रोलिंग, इट इज नॉट रोलिंग, इट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन. ओके, इसका मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है and घूम रहा भी. Can I say if I tell you about this point will have velocity VCM also रहेगा plus R omega रहेगा. ठीक ना, दोनों same direction में ना, मिलाकर देखो ना भाई, VCM है और R omega. Yes or no? Hello? क्या तुम ऐसे नहीं बात करना है? You see that VCM भी इधर है, आर ओमेगा भी है. इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? VCM इज इन द फ्रंट, आर ओमेगा इज देयर एट द बैक. इस पॉइंट के बारे में VCM इज देयर ओवर हियर, आर ओमेगा इज देयर आउट. इस पॉइंट के बारे में VCM आगे है, आर ओमेगा नीचे. हेलो, आर यू गेटिंग इट बेटा? आर यू गेटिंग इट? Yes or no? Yes, sir. Yeah. Now, this is not pure rolling. This is T plus R motion. In pure rolling, listen to me. In pure rolling, there is no relative motion. With respect to ground, look carefully. You know, it's very, very important to understand. I'm going to go to the next page. ये statement हम लोग लेकर जा रहे हैं, ठीक है?
In pure ruling, there is no relative motion with respect to ground. Pay attention to me. What is it telling you? Okay. ध्यान देना, ये ग्राउंड है. ये VCM था, ये ओमेगा था, ये था VCM, आर ओमेगा इधर ही था. ध्यान दो, दिस पॉइंट को पकड़ते हैं पॉइंट पी एंड इस पॉइंट को पकड़ते हैं ग्राउंड. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड राइट नाउ? हेलो, ग्राउंड का स्पीड कितना? ग्राउंड का स्पीड जीरो होता है. प्योर रोलिंग मींस, अगेन आई विल टेक द स्टेटमेंट, there is no relative motion is zero with respect to ground. What do you mean by this statement? Matlab ground ka velocity and point P ka velocity kya hona chahiye? Same hona chahiye na? Hello? Yes. There is no relative motion with respect to ground. Matlab ground ka speed aur jis point of contact hai. Can I say this is the point of contact na? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का स्पीड और ग्राउंड का स्पीड सेम होना मांगता है. ग्राउंड का स्पीड तो हमको मालूम है जीरो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का स्पीड कितना है? ये जो पॉइंट पी है उसका स्पीड कितना है? वीसीएम आगे है, आर ओमेगा पीछे है, तो कैन आई से पॉइंट पी का स्पीड कितना रहेगा? हेलो, डू यू अग्री विद मी? हेलो हेलो हेलो, यस सर. पॉइंट को वीसीएम आगे जा रहा है, आर ओमेगा पीछे जा रहा है, और वी अज्यूमिंग दैट वीसीएम इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो वीसीएम माइनस आर ओमेगा इज द स्पीड ना. बट आई नो दैट इन प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड शुड बी द सेम. वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी वीसीएम माइनस आर ओमेगा एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज जीरो, सो कैन आई से वीसीएम शुड बिकम इक्वल टू व्हाट सर? आर ओमेगा. हेलो, यस सर. अगर ये पॉइंट जीरो है और ये पॉइंट को भी जीरो बनाना है, तो अगर जीरो बनाने के लिए ये और ये सेम होना चाहिए ना यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऑब्वियसली आगे का स्पीड और पीछे का स्पीड सेम होना चाहिए, तो ही तो ग्राउंड का स्पीड के बराबर बनेगा. वीसीएम शुड बिकम इक्वल टू आर ओमेगा. व्हाट इज वीसीएम स्टैंड फॉर? हेलो, व्हाट इज वीसीएम स्टैंड फॉर? Come on, man. Velocity of center of. This is not your V is R omega. वो जो circular motion में हमने V is R omega पढ़ा था, that was tangential velocity. Hello, are you understanding the misconception what you all will make? V is R omega जो circular motion में पढ़ा था, that was tangential velocity. ये नया concept है. This is VCM is R omega. The VCM is the velocity of center of mass should become equal to R omega for pure rolling on the ground, where ground is at rest. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Clear hai na? Now you'll yes, tell sir. Me. Now you'll tell me. Agar hum iska fir se ek profile banate hai. So if I tell you, ye ground par hai. To is point ka velocity kitna ho jayega? VCM plus VCM, because VCM is R omega, will become 2 VCM. Yes or no? Is point ka velocity VCM hi rahega? Is point ka velocity kitna ho jayega? Zero. Is point ka velocity VCM idhar hai and R omega niche hai, matlab VCM niche bhi hai. So it will become what? Root 2 VCM. इस पॉइंट का वेलोसिटी
ये भी r omega root 2 vc if you have seen the videos na so it will help you a lot means a lot okay ye hai clear hai तो अगर मैं इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाता हूँ वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे अगर ये ग्राउंड है इस पॉइंट का वेलोसिटी इज 2 vcm सेंटर का वेलोसिटी इज vcm इस पॉइंट का वेलोसिटी इज 0 यस और नो यस सो आई सी दैट द प्रोफाइल ऑफ द वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज आई गो अपवर्ड्स ये देखो ना कम होता रहेगा Yes or no? Yes, sir. प्रोफाइल है मतलब अगर ये डिस्टेंस आर है ना ये तो आर होता है ना रेडियस है ना और ये रेडियस आर है अगर हम टू आर पे जाएंगे तो वेलोसिटी विल बिकम टू वीसीएम अगर हम आर पे रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम मोस्ट पॉइंट वो रहेगा वीसीएम एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो हो जाएगा हेलो 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 यस और नो क्लियर है ना सो दिस इज All about pure rolling. और आपके नीट के अंदर प्योर रोलिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आएगा मैं आपसे और एक कंडीशन के बारे में बात करूंगा okay, which is generally a difficult condition, but वो चीज थोड़ा पढ़ा देता हूँ सपोज ग्राउंड इज नॉट देयर देयर इज एन एलिवेटर Or there is an escalator which is going at the speed of v. जा रहा है ठीक और इसके ऊपर हमने एक बॉल रख दिया which is pure rolling. Okay. Hello. Yes or no? Now can you tell me pure rolling का मतलब क्या होता है? VCM is equal to R omega. No. Pure rolling means what? What is the basic condition? No. No relative motion. With respect to ground. मतलब ground का speed और bottommost point का speed should be the same. अच्छा bottommost point का speed कितना है? ये तो हमको मालूम है ना? ये VCM आगे होगा और ये R omega पीछे होगा. मतलब इस point का speed P और इस पॉइंट का ग्राउंड का स्पीड वी वी जी सेम होना चाहिए मतलब वी पी शुड बिकम इक्वल टू वी जी हेलो किया था ना अभी तो व्हाट इज वी पी वी सी एम माइनस आर ओमेगा एंड व्हाट इज वी जी इज वी सो दैट मींस वी सी एम शुड बिकम इक्वल टू आर ओमेगा प्लस वी हेलो 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 यार बोलो हाँ, क्योंकि ग्राउंड इधर चल रहा है ग्राउंड जीरो पर नहीं है तो ग्राउंड जीरो पर नहीं है इसका मतलब VCM और R omega सेम सेम नहीं है हेलो 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 यस और नो यस सर हार्ड वाला कंडीशन है थोड़ा हार्ड वाला कंडीशन बट हमने आपको पढ़ा दिया यू रिमेम्बर दिस थिंग जनरली इट इज नॉट आस्क्ड ऑन द नीट दे ओनली प्ले विद VCM इज R omega बिकॉज यहाँ पे सब कंडीशन चेंज हो जाएगी ठीक है सो दिस इज जस्ट एज एन एक्स्ट्रा नॉलेज यू ऑल रिमेम्बर कि ग्राउंड का स्पीड जो भी हो बॉटम मोस्ट पॉइंट के स्पीड के बराबर होना चाहिए उसी को कहते हैं प्योर रोलिंग लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि VCM इज R ओमेगा इज प्योर रोलिंग नो दैट इज ओनली प्योर रोलिंग ऑन स्टेशनरी ग्राउंड हेलो 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 यस ऑन क्लियर है ना यस ठीक है भाई हमारे पोर्शन में हमारा लिमिटेशन है कि ग्राउंड स्टेशनरी है ग्राउंड रुका हुआ है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू मोर ये आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब मैं बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग ऑन अ स्टेशनरी ग्राउंड की बात करेंगे स्टेशनरी ग्राउंड में सबको मालूम है VCM इज R ओमेगा ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है बराबर है क्या हेलो 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 यस ऑन नो ठीक है तो अभी मैं आपसे बॉडी ग्राउंड स्टेशनरी ग्राउंड पे रोल कर रहा है दैट मींस आप बोलिएगा सीधा VCM इज R ओमेगा
सॉरी ओमेगा नहीं है ये, दैट मींस द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग की बात करते हो, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग में कैन आई से देयर इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशन. हेलो, तो ये तो ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, इसलिए हमने दोनों का कर दिया. और VCM इज आर ओमेगा भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का फार्मूला, हाफ एम VCM द होल स्क्वायर, एंड रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. डू यू अग्री विद मी? Do you agree with me? Yes or no? Yes, yes sir. Kinetic energy will become half m VCM the whole square. I ko likh sakte hai beta m k square. What is k stand for? Yaar kuch to bolo. K stand radius for? Of gyration. And omega ko main likh sakta hu VCM by r the whole square. Because VCM is r omega na, condition hai na rotation ka, rolling ka on the stationary ground. So can I take half m VCM the whole square common, it will be 1 plus k square by r square. This is kinetic energy of rolling. Hello, yes or no? So very important formula. NEET ke andar every alternate year dekha gaya ye sum. Acha, what is k square by r square? If you remember, can anyone tell me what is coefficient? Huh? Very good, beta. What is IC for a ring? अरे भाई, what is IC for a ring? MR square. Can I write 1 MR square? Na? What will be K square by R square? इसका coefficient कितना रहेगा? 1. 1. Can you tell me what is IC for a solid sphere? 2/5 MR. ये हो जाएगा. What is IC for a hollow sphere? 2/3 MR. k square by r square क्या रहेगा? इसका coefficient रहेगा 2/3. मतलब ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, the what is this? This is the coefficient of the moment of inertia which you all have learned in the lecture number 1. बराबर है ना? Hello. Yes or no? Yes sir. Yes. चीज का ध्यान रखना है. आप लोग को ज्यादा कुछ high five बड़े-बड़े concepts नहीं है, वो भी easy है. ओके, बट जितना है पोर्शन के अंदर उसको बराबर से पक्का कर लो एंड देन सम्स को इजी रहेगा. नाउ हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इन द एग्जाम व्हाट कम्स, नाउ दिस इज अ ट्रिक व्हिच आई एम गिविंग इट टू यू, फॉर्मूलाज आप लोग याद कर लेना. काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का तो फॉर्मूला हमको मालूम है, इट इज हाफ एम वी सी एम द होल स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय. What is only kinetic energy translation ka part? Half MVCM the whole square. Hello? Pata hai na, abhi kiya tha. What is kinetic energy rotation ka part? Half I omega square. I ko likh sakta ho beta MK square. And this is VCM by R the whole square. Do you agree? Ye iska part hai na, ye do hisse kiya na idhar. Hello? Yes or no? Ab ye puchna nahi hai. Generally ye पूछा भी जाएगा, बट एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लुक ओवर हियर केयरफुली, आस्क यू व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का रेशियो अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का रेशियो, विल बी 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग विल बी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. दोनों को डिवाइड कर रहा हूं मैं यहां पर. मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है. Kinetic energy translation upon kinetic energy rotation will become 1 upon k square by r square. देखो एकदम आसान है. Translation word आएगा ना तो एक number डाल देने का. Rolling word आएगा तो कौन सा number डालने का? 1 plus k square by r square. Rotation word आएगा तो क्या डालना चाहिए? k square by r square. देखो ना, rolling आएगा तो 1 plus k square by r square. Translation आएगा तो 1. Rotation आएगा तो k square by r square. Do you understand? Hello? Hello. Yes, sir. Whenever the word translation comes, one number, ratio ke andar. Rolling aega to 1 plus k square by r square. Or rotation aega to k square by r square khali. Understand? Hello. Yes or no? Clear, na? Yes, sir.
अगर मैं आपसे कहूँ ऐसे रेशियो बनाकर, तो कैन आई से व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इज टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज टू काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, इट बी वन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. समझ आया? Yes. And what is k square by r square? The coefficient. The coefficient. Hello. Yes or no? बात तो सही है. बात तो clear है. Okay. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. I hope you all are understanding at this stage. You should understand each and everything. Mechanics का last part है. इसके बाद में I have planned I'll be doing gravitation chapter which you all have done it in the 11th standard. And उसके बाद में simple harmonic. मोशन, उसके बाद में करंट एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑल दैट चैप्टर्स. ओके, सो आराम से खत्म हो जाएगा. एंड अब हम आगे बढ़ते हैं. दिस कंडीशन वाज ऑल ऑफ प्योर रोलिंग. व्हिच कंडीशन बेटा? प्योर रोलिंग. नाउ थोड़ा सी मैं आपको सिखाता हूँ इन प्योर रोलिंग के बारे में. हेलो, तो इम्प्योर रोलिंग में देयर आर टू कंडीशंस. सिर्फ याद कर लो, अगेन एग्जामिनेशन में ये कम पूछा जाता है. इम्प्योर रोलिंग कंडीशन वन, केस वन, वीसीएम इज ग्रेटर देन आर ओमेगा. इस कंडीशन को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग. देखो ना, मैं आपको बताता हूं. ये ग्राउंड है, ये VCM, ये ओमेगा. तो ग्राउंड पर तो हम लोग पता है ना, ये VCM आगे होता है, ये आर ओमेगा पीछे होता है. सही है? हेलो 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 हेलो. अच्छा, कौन बड़ा है? हु इज बिगर? VCM इज बिगर और आर ओमेगा इज बिगर? कम ऑन मैन, से फास्ट. VCM. तो ये जो पॉइंट है, ये कहां स्लिप करेगा? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? बेटा VCM बड़ा है. VCM अगर बड़ा है तो आगे वाला कंपोनेंट बड़ा है ना. दिस कंपोनेंट इज बिगर ना. यस और नो? यस. ये पॉइंट कहाँ रिलेटिव मोशन करेगा? आगे के पीछे? आगे करेगा ना. आगे. हाँ, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड स्लिप. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड स्लिपिंग. आगे स्लिप करेगा. ओके, याद है? व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स ऑन द ग्राउंड, अचानक आप साइकिल चला रहे हो, अचानक आपने ब्रेक लगाया स्लोप के ऊपर, तो क्या होगा? उसका रोटेशन रुक जाएगा, बट वो स्लिप करते हुए आगे बढ़ेगा ना. हेलो, स्किड होएगा ना गाड़ी. यस और नो? यस. दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लिपिंग. अच्छा, इस कंडीशन में फ्रिक्शन कहाँ आएगा? फ्रिक्शन कहाँ आएगा? वेयर इज द नॉर्मल रिलेटिव मोशन? Where is the intention or motion of this point to go? Forward. Forward. So where will friction act? Backward. Friction act. Second condition mein. CM is less than R. Is condition ko kya bolte hain? Yes, sir. Backward slipping. Come on, where is this point of contact going to go? Backward or forward? Come on, fast. Point of contact. Backward. 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 So where will friction act? Forward. And this friction will try to. What is the use of friction? What does friction do? Come on, what is the role of friction? It tries to stop the relative motion. Stop. Yes or no? So friction ka kaam ye rahega. The work of friction over here is to stop relative motion, means to make VCM is equal to R omega. Yes or no? हेलो हेलो. तो इम्प्योर रोलिंग कंडीशन में बदली कौन करेगा?
फ्रिक्शन बदली करेगा. फ्रिक्शन बोलेगा टिल आई एम देयर आई विल नॉट अलाउ इम्प्योर रोलिंग, आई वॉन्ट प्योर रोलिंग. दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बिकम इक्वल टू, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बिकम जीरो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. That means VCM should become equal to R omega. Did you all understand impure rolling का condition also बेटा? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये समझ में आ गया आपको? Hello, hello, hello. Yes or no? Clear है ना? So this is all about impure rolling. We have done impure rolling also. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अभी मेरी बात सुना. This is a very important concept now. We have time. I'll do more synopsis now. Because ये एक बार concept खत्म हो गया ना. And I recommend you all see my videos also because I am there in front. I can do the actions also. And आपको बराबर से मैं समझा सकता हूँ board के ऊपर. And that is freshly recorded lectures of previous year only. It was during lockdown only. Okay, with the previous batch. So it is very much recent. So same concepts are repeated. अगर आपने एक बार fast forward पे भी देख लिया ना बेटा उसको, तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा. दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज ओके डू इट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ रोलिंग डाउन. Rolling down on a rough inclined plane. एक rough inclined plane है. ध्यान दो बेटा, please pay attention to angle theta. And it is coming down. ध्यान से अभी, बहुत important है ये. This much only I'll explain of this thing, this derivations I'll do. And then next time Wednesday को हम लोग continue करेंगे. आपको revise करके आना है, वरना समझ में नहीं आएगा. Okay? Can anyone tell me who's going to take him down? Who is going to take him down? Yes, sir. MG sin theta. MG sin theta is responsible to take him down. Will MG sin theta rotate him about the center? Hello? No. ये answer दो. हाँ, ये बहुत important है. बेटा क्यों? क्यों? Because what is general formula for torque? Hello यार, please, come on. F into R perpendicular. हाँ, how much is the R perpendicular of mg sin theta about the center? Zero. By there is no perpendicular distance. Yes or no? Yes, sir. That means ये mg sin theta इसको आगे तो लेकर जाएगा, but घुमाएगा नहीं. तो घुमाने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा? Friction. और friction इस तरफ act करेगा ताकि ये फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमा पाए. यस ऑर नो? यस ऑर नो? यस ऑर नो? गेटिंग इट? दैट मींस दिस शुड बी ए. ये एमजी साइन थीटा क्या देगा उसको? ए देगा, एसीएम देगा. एंड ये इसको अल्फा देगा. जैसे हमने VCM is R omega की बात किया था ना, यहाँ पे VCM थोड़ी रहेगा, ये तो फोर्स है. तो फोर्स विल गिव राइज टू एक्सेलरेशन एंड टॉर्क विल गिव राइज टू अल्फा. हेलो 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 हेलो, यस और नो? फोर्स विल गिव राइज टू एक्सेलरेशन एंड टॉर्क विल गिव राइज टू अल्फा. तो ACM is R अल्फा. देखो ना, देखो प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है. VCM is R omega, yes or no? But if I take derivative, I hope you all are understanding, bhai. Hello. So what is dVCM by dt? AC. Hello, yes or no?
Yes, इस चीज को क्या बोलते हैं मालूम है? इस चीज को बोलते हैं एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग. क्या आप मेरे साथ हो? क्या मेरे साथ हो? यस और नो? तो एसीएम जार अल्फा कब आएगा? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट. हेलो, यस ऑन हो? फोर्स लग रहा था ना, एमजी साइन थीटा ग्रेविटी का, और फ्रिक्शन भी तो है, और एमजी साइन थीटा के कारण फ्रिक्शन भी आ जाएगा. फ्रिक्शन बोलेगा भाई मैं एसीएम आर अल्फा बनाऊंगा, खाली एसीएम बनाने नहीं दूंगा. तो अल्फा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्रिक्शन है, एंड एसीएम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एमजी साइन थीटा, फ्रिक्शन दोनों है, एंड दोनों को मिलाकर एसीएम आर अल्फा बनेगा और बॉडी रोल करेगा ये इंक्लाइन प्लेन पे. डिड यू गेट दिस थिंग? हेलो हाना बोलो तो आगे बढ़ेंगे. यस ऑन हो? हेलो हेलो हेलो. यस सर. ओके, ये चीज है. अच्छा मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, कौन बताएगा व्हाट इज एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला? भाई एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला 100 टाइम वी आर डन मैन. नेट फोर्स अपॉन, अरे भाई बराबर है क्या? इसको बोलेगे इक्वेशन नंबर वन. ओके, यस ऑर नो? हेलो हेलो हेलो. यस सर. अच्छा ये फॉर्मूला सुना है, व्हाट इज अल्फा? सुना है ये फॉर्मूला? सुना है, सुना है, सुना है. यस और नो? बिकॉज़ यहाँ पे अल्फा अल्फा भी है. अच्छा, हु प्रोड्यूसेस द टॉर्क? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन. टॉर्क का फॉर्मूला क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर अबाउट द सेंटर ना. हेलो, यस और नो? यस सर. एंड इसको आए, आए को आए रहने देता हूँ, चलेगा क्या? यस और नो? या आई को मैं ले एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ, चलेगा? एम के स्क्वायर लिख सकते हैं. जब मैं इनको सॉल्व करूंगा ना बेटा, जब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, आपको सॉल्व ऑल नहीं करना है, मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट देता हूं. एक्सेलरेशन विल कम जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ये पहला acceleration of center of mass will be g sin theta upon 1 plus k square by r square. Second, friction will be mg sin theta, ye sab ratta marna hai aapko, upon 1 plus r square by k square. Hello, it is not k square by r square, ha ulta coefficient. Hello 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 hello. Yes or no? Yes sir. Yaad rakhna ye sab cheezon ka, ye derivation aaye ki nahi aaye, kuch bhi nahi aaye, ye aana chahiye aapko. ओके, ओके, आगे ये मिल गया. अच्छा, ये नीचे जाते 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 जमीन पे जाएगा, यहीं से जब वो इधर आया उसका स्पीड एट दिस इंस्टेंट हो गया VCL, बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो कुछ समय बाद उसका V चेंज होगा ना, V बढ़ता जाएगा ना नीचे जाते, एक्सेलरेटेड मोशन है. Can I say what will be velocity of center of mass when it is rolling down an inclined plane? Formula is under root 2gh 1 plus k square by r square. Okay, what is h? The height where it is falling down to. V is under root 2gh 1 plus k square by r square. Main kaise apply karunga? Which energy is changing to which energy? Potential mgh is changing to half mv square 1 plus k square by r square. So you will do this and you will get the resultant answer. Acha, what is this F stand for? Hello, what does this F stand for? Friction. Friction acting. Acting. Required nahi, huh? Hello, this is friction? Acting. Acting. Huh. Friction required. Minimum friction required will become
mg tan theta upon 1 plus r square by k square. Hello. This is what? Required friction. Yes or no? Hello? Yes, sir. एक दो तीन चार आना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाले. सीरियसली आई एम टेलिंग, इसके बिना काम आपको चलेगा ही नहीं. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. फ्रिक्शन एक्टिंग इज एमजी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. एंड फ्रिक्शन मिनिमम इज एमजी टैन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, इतना होना चाहिए. अगर एक्टिंग फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से ज्यादा है तो बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. अगर एक्टिंग फ्रिक्शन कम है तो वो रोलिंग जिंदगी में नहीं कर पाएगा. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग भाई? इतना मिनिमम क्राइटेरिया है ना? यस और नो? यस सर. और इतना एक्टिंग है. अगर एक्टिंग ज्यादा है मिनिमम से तो बहुत अच्छा है, तो वो रोल कर पाएगा. यस और नो? Yes or no? Yes, sir. But अगर acting friction कम है तो वो जिंदगी में रोल नहीं कर पाएगा, बिकॉज रिक्वायर्ड ज्यादा है, एक्टिंग कम है तो नहीं कर पाएगा. अच्छा, और एक बात, और एक बात. ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है? कम ऑन, दिस फ्रिक्शन कैटेगरी स्टैटिक और काइनेटिक? हेलो. चलो कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है कि क्या ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है? अरे बाबा बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैंने जो पूछा है. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट को क्या करना चाह रहा है ये फ्रिक्शन? ये पॉइंट को क्या करना चाह रहा है? हेलो, इतना तो बताओ मैन. हेलो, दिस फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू मेक स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हाई डू यू से सो इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? बिकॉज़ दैट पॉइंट इज नॉट मूविंग विद रिलेटिव. हां, वेरी गुड. इट इज ट्राइंग टू स्टॉप इट. दैट मीन दिस कैटेगरी इज व्हाट बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा यहां पर. हेलो. Yes. Hello, भाई. हाँ, this point is not moving with respect to ground. मतलब static है. Static condition क्या होता है? Can I say it is auto adjusting? अरे भाई, yes or no? Yes, sir. मतलब जितना उसको चाहिए उतना ही वो provide करेगा. And what is the maximum value of static friction? Mu n. Mu mg cos theta. Hello, do you agree with me? Inclined plane hai na beta? Hello. Yes, sir. Ye sab cheez hai, aati hai exam mein. Ek chota si concept they pick up and they ask you. Concept agar pata nahi rahega to aap nahi kar payenge. Generally it will be covered in the sums only, everything. Aapko usme tension nahi lena hai, but ye sab concepts important hai. Can anyone tell me, एक और एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं इसमें. What is the work done by this friction? In rolling? Always remember, work done by this friction is what, sir? Zero. Because zero. According to the definition of work done, what is the definition of work done? Goes into displacement. No. वो भी सही है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स. बट डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स का. यस और नो? हेलो. यस और नो? जीरो है तो वर्क डन विल बिकम जीरो जूल्स. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आई होप आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑल. यस और नो सर? हेलो. Yes, sir. हाँ भाई. Okay. अब इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं ठीक है, कुछ और थोड़ा डिस्कशन करते हैं ताकि आपको और समझ आए.
See now. I'll ask you one question. अच्छा, मैं अभी स्लाइड की बात करता हूँ, स्लाइडिंग की. ये हम कर चुके हैं. एक जगह हमने रोलिंग की बात की, एक जगह हम स्लाइडिंग की बात करते हैं. मैं फिर से फॉर्मूलाज लिखता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्या हो रहा है. स्लाइडिंग में एक ब्लॉक था, इट वॉज गोइंग डाउन. कैन एनी वन टेल मी व्हेन इट रीच्ड द बॉटम? ये वेलोसिटी वी. व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट कम्स द रीचेस द बॉटम? जल्दी बोलो. ये था ना 2gh. How much is the acceleration of the center of mass coming down? G sine theta. Perfect, perfect, perfect. Okay, ये चीज़ है. और how much is the friction required? Friction, 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 friction. अगर rough हुआ तो कितना रहेगा? mu g cos theta बराबर है क्या? into m maximum value mu n बराबर है ना? mu m g cos theta. हेलो, ये सुनो, ये m g sin theta है ना? अगर ये maximum value of friction है, ये mu m g cos theta. म्यू, यहाँ पे म्यू एस आएगा कि म्यू के आएगा? इफ इट इज गोइंग डाउन, ये म्यू के आएगा ना यहाँ पर. हेलो, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, बॉडी चल रहा है ना यहाँ पर. ओके, तो ये चीज है स्लाइडिंग में हमने पढ़ी थी पहले. हम सेम कॉन्सेप्ट बात करते हैं रोलिंग में जो हमने बात की थी. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग. mg sin theta, ये फ्रिक्शन है. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. इधर याद रखना है, इस कंडीशन में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर जीरो ही है इस पूरे कंडीशन में. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? What will be the friction acting? In acting? Friction required minimum. Minimum friction required. ये हम कर चुके हैं. ठीक है. Is all are important. अच्छा, अब एक question. ये तो पता चल गया आपको sliding और rolling में. Hello, hello, hello. Yes or no? Hello, yes or no? ठीक है. अब मैं आपसे कहूँ कि suppose मैंने rolling में I leave a ring, disc, solid sphere and hollow sphere. ऊपर से मैंने यहां से छोड़ दिया. Who will reach the bottom first? Yes, come on. What is the answer? Solid sphere. How do you say so? Why do you say so? Because k square by r square of solid sphere is minimum. Minimum. So acceleration will be maximum. हाँ, you have to deal with this formula. You can see that k square by r square is minimum. जिसका acceleration सबसे ज्यादा रहेगा वही जमीन पे सबसे पहले पहुंचेगा. Don't look at velocity, huh? Acceleration will be maximum, so time will be minimum. So can I say जिसका k square by r square is minimum and जिसका acceleration is maximum, it will reach the bottom first, and that answer will be solid sphere. And who will reach सबसे लास्ट? रिंग. ठीक है ना, ये सब चीजें शायद आप लोगों ने वीडियो देखा है इसकी, आपको आता है.
ये सब फेमस क्वेश्चंस है इन द नीट एग्जाम. ओके सो दिस वाज देयर अबाउट प्योर रोलिंग. हम लोग शुरू तो करते हैं सम्स. स्टार्ट विद सम सम्स एटलीस्ट जितने भी सम्स हो सकते हैं. Okay, fine. This is checkpoint. Can you see the slides dikh rahe hain aapko? Can you see the slide now? Hello? Green color? Hello? Yes, sir. Okay, fine. So, we'll do some questions that you all can understand. Dekhte hain. Checkpoint 9.3. 9.3 is question 1. At any instant, a rolling body may be considered to be in pure rotation about an axis through the point of contact. This axis is translating forward with the speed of. Okay, bahut important concept hai. Bahut zyada important concept hai. Dhyan dena meri baat suno. Everyone just pay attention. देखो प्योर रोलिंग का मतलब क्या था. ये VCM था नहीं, आर ओमेगा था. सही है. हेलो 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 हेलो. यस सर. इस पॉइंट का स्पीड कितना था, इस पॉइंट का स्पीड कितना था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? कम ऑन मैन. जीरो. Velocity of point P was zero. अब इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना. ये तो था हमारा प्योर रोलिंग. Can I make this whole concept this way? क्या यहां पर मैं एक हिंज लगा दूं at this instant? And can I consider the whole body to be rotating about this axis? ये देखो ना, ये कितना से जा रहा है, VCM से. ये कितना से जा रहा है, VCM से. Can I consider the whole ring or the whole disc to be rotating about this point? Because ये इसका point का speed कितना है बेटा, zero है ना. Hello? Hello, hello, hello. Yes or no? Yes. So can I consider this whole ring or disc to be rotating about this point? देखो और थोड़ा अगर समझाना है ना, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं. इसको मैंने एक रॉड पकड़ लिया, रॉड को मैंने हिंज यहां पर कर दिया. कहना इसे ऐसे घूम रहा है. इस पॉइंट का स्पीड है 2v, इस पॉइंट का स्पीड है v, और ये उसका वेलोसिटी प्रोफाइल है. हेलो 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 हेलो. यस ऑर नो? हेलो. Yes or no? Yes, sir. भाई थोड़ा और मैजिक. लुक ओवर हियर ना, लुक एट द मैजिक नाउ. लुक एट द मैजिक प्लीज. कैन आई से अगर ये रोटेट करेगा एट दिस पॉइंट, कैन आई से एवरी पॉइंट विल गो इन सर्कुलर मोशन अबाउट दिस पॉइंट? आर यू देयर और नॉट? यस सर. अच्छा, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल स्पीड कितना होता है? व्हाट इज द टेंजेंशियल स्पीड का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में? कम ऑन. हेलो हेलो. आर ओमेगा. आर ओमेगा. बट व्हाट इज आर फ्रॉम हियर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? ऋषि बेटा बोलो, व्हाट इज आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट दिस पॉइंट? 2r. तो कैन आई से वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बिकम आर ओमेगा के 2r ओमेगा?
2 r omega. But r omega was VCM, na? Hello, hello, hello. याद आ रहा है क्या? Yes, sir. ये velocity कितना रहेगा बेटा? R omega रहेगा. ये VCM ही बनेगा, सही है ना? इस पॉइंट को फिजिक्स लैंग्वेज में कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या बोलते हैं इसको बेटा? क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. आई कैन से द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन विल ऑलवेज बी एट रेस्ट. सो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? जीरो ना? जीरो. ये तो हमको आता ही था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया. गेटिंग इट? हेलो, और मैजिक आपको देखना है? और मैजिक देखना है? देखो मेरे मेरी बात सुनो, अब मजा आएगा. देखो इधर, ओके, और थोड़ा बताता हूं मैं. अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ लू और इस पॉइंट का वेलोसिटी मांगता है, तो इस पॉइंट का स्पीड रहेगा, टेंजेंशियल स्पीड कितना रहेगा? आर ओमेगा रहेगा. बट व्हाट इज आर फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट? हेलो, एनीवन नोज व्हाट इज दिस डिस्टेंस? √2 r omega, एंड दैट ओनली वी कैलकुलेटेड एज अ √2 VCM. ना याद है ना? हेलो 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 हेलो. यस सर. ये पॉइंट का स्पीड भी कितना रहेगा? वही तो रहेगा. Are you there with me? तो प्योर रोलिंग को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं. प्योर रोलिंग को पढ़ने के लिए दो तरीके हैं. एक नॉर्मल मेथड, हमारा कन्वेंशनल मेथड, और एक मेथड है जहां पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो है उसको एक्सेस ऑफ रोटेशन पकड़ लो और उसको पूरी बॉडी को घुमाओ उस पर. अंडरस्टैंड? मतलब उधर हिंज पुट कर लो. अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो. तो इस चीज को पढ़ने के दो तरीके है. मेथड नंबर वन जो हमारा कॉन्वेंशनल मेथड है, और मेथड नंबर टू बाय कंसीडरिंग दिस पॉइंट एज योर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, IAOR. ये जनरली जेई के अंदर बहुत ज्यादा टर्म्स यूज होता है इसको. और ये क्वेश्चन देखे नहीं गए नीट के अंदर, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे गए. सिंस ही इज आस्क्ड ओवर हियर, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. हेलो, डिड यू गेट इट? यस सर. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो. क्वेश्चन नंबर, चलो टाइम हो चुका, आई विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड वी फिनिश इट ऑफ. क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. अ व्हील ऑफ रेडियस आर रोल्स ऑन द ग्राउंड, द वेलोसिटी ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट रिलेटिव टू द बॉटम मोस्ट पॉइंट. डज एनीवन नो द आंसर? 2v. 2v. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार. विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज 2v ना, बिकॉज़ बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट ना. ऊपर का पॉइंट इज 2v, मिडिल पॉइंट इज v. दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल. रोल कर रहा है. और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो बोनस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3. द सेंटर ऑफ द व्हील इज मूविंग एट द स्पीड v नॉट एंड रोलिंग. रोलिंग मतलब ये ओमेगा भी है. कैन आई से दिस पॉइंट विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, दैट मींस v नॉट विल बिकम इक्वल टू r ओमेगा. डू यू एग्री? हेलो 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 हेलो. A particle on the rim of the wheel at the same level as that of the center. मतलब इधर का speed मांगता है. कितना रहेगा? √2 v. कौन सा तरीका? एक तो ये वाला तरीका है, v naught and r omega ना. मतलब r omega is v naught. Yes or no? ये तो हो जाएगा √2 v naught. Yes or no? Hello. ये एक तरीका. This is method number one. दूसरा method कौन सा था? Instantaneous axis of rotation वाला. मतलब इसको आपने हिंज पकड़ लिया, ये डिस्टेंस है, ये v है उसका. इस v विल बिकम r ओमेगा, बट r इज √2 r omega, बट r ओमेगा इज v नॉट, तो √2 v नॉट. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज √2 v नॉट. ये वही चीज कहना चाह रहा है. तो दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हो. एंड देन नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू विद द 15 सम्स एंड वी विल स्टार्ट विद टेकिंग इट टुगेदर आल्सो. ओके, चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय. Thank you. Thank you, sir. Thank you.